माइनस थ्री, टू के प्लस वन और फोर के प्लस थ्री आर थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स. कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब कोई भी कॉमन डिफरेंस आपका नहीं है. ठीक, इसका मतलब कि अगर ए वन, ए टू और ए थ्री दे आर दी कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर है, कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो इन दैट केस हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा डी. हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा डी, क्योंकि कोई भी टर्म स्किप नहीं हुआ है. बस यही अप्लाई करेंगे और हमारा वैल्यू निकल जाएगा. ठीक, इसका मतलब कि डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन एंड हियर ए थ्री माइनस ए टू, इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए. यानी कि टू के प्लस वन माइनस ब्रैकेट में के माइनस थ्री इज इक्वल टू फोर के प्लस थ्री माइनस ब्रैकेट में टू के प्लस वन. ठीक, अदरवाइज जानते हुए गलती हो जाएगी. नहीं, टू के प्लस वन माइनस के प्लस थ्री इज इक्वल टू योर फोर के प्लस थ्री माइनस टू के माइनस वन. हियर यू विल गेट के, के प्लस फोर इज इक्वल टू फोर के माइनस टू के इज योर टू के, टू के प्लस टू. ठीक, सभी को एक तरफ ले आते हैं, यानी कि टू के माइनस के विल बी इक्वल टू योर फोर माइनस टू, दैट इज द वैल्यू ऑफ के विल बी इक्वल टू टू. दिस इज व्हाट दे वर आस्किंग. आई हैव लर्न्ड समथिंग. डू लाइक, subscribe and share it among your friends. Thank you so much for learning.